हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप स्लो वीडियो डाला करो, इतना फास्ट मत डाला करो। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा स्लो करके डालूंगा। इस वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगी एंड इस वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा कि होल फेस को कैसे ड्रॉ करता हूँ, आई वगैरह एंड हेयर वगैरह, हेयर बियर्ड आई फेस शेडिंग वगैरह। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जो सीखना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड सबसे पहले आई ड्रॉ कर लेते हैं। बाजू में पिक भी है, आप उसे देख सकते हो। सबसे पहले 2B पेंसिल से मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ, बीच में फिल भी 2B पेंसिल से ही कर रहा हूँ आई के बीच में। उसके बाद मैंने 8B पेंसिल ली है, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क कर रहा हूँ और आई के अंदर फिल कर रहा हूँ 8B से। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में शेडिंग वगैरह बताऊंगा कैसे करता हूं मैं अपने तरीके से। तो आई ड्रॉ हो जाने के बाद उसके नीचे थोड़ी हल्की शेडिंग कर रहा हूं, थोड़ी 2B से शेड करके उसे ब्लेंड किया मैंने। अब डायरेक्ट 8B पकड़ के मैं आईब्रो बना रहा हूँ। अब ये हो जाने के बाद थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं। लगभग हमारी आई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद थोड़ा आई के साइड से 2B से शेडिंग करके उसे ब्लेंडिंग कर दूंगा। तो भी सेट कर लिया मैंने थोड़ा। तो इसके लिए आप, अगर आप मोबाइल से ड्रॉ कर रहे हो तो मोबाइल में सबसे पहले जितना बड़ा आपको ड्रॉ करना है पेज में उतना जूम कर लो मोबाइल में, देन उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करो। उसके आउटलाइन होने के बाद मैं आई ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले 2B का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा नोज में भी मैंने शेडिंग कर लिया है साइड में। आपको अच्छे से देखना है कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, वहाँ पे 8B का यूज़ करके ब्लेंड करना है, शेडिंग करना है, उसके बाद ब्लेंडिंग करना है। नोज से साइड से थोड़ा शेडिंग करके ब्लेंड कर दिया। इसके बाद पूरे नोज में मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके सेट कर दिया। वो अभी ये 3D नहीं लग रहा है, इसे 3D लगने के लिए थोड़ा और शेडिंग करना पड़ेगा नोज में। तो मैंने 4B पकड़ के थोड़ा शेडिंग किया, इसके बाद ब्लेंड कर दिया। तो थोड़ा देख सकते हो आप 3D लुक आ रहा है। इरेजर का यूज़ करके मैं 20 से इरेज कर दूंगा उसे हल्का, ताकि वो उभरा हुआ लगे। एंड अब लगभग नोज भी कंप्लीट हो चुका है।
थोड़ा डिटेलिंग दे रहा हूँ मैं आय वगैरह में। नोट्स में भी हल्का हल्का डिटेलिंग देना है आपको। अपने ड्राइंग को और पिक को देख के थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करके उसमें और डिटेलिंग दे सकते हो। एक एक ही मेथड नहीं कि वैसा ही आपको करना है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे जैसे मुझे लग रहा है थोड़ा डेप्थ है जहाँ पे थोड़ा डार्क करना है वहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ। अब मैं आया हेयर का आउटलाइन दे रहा हूँ। थोड़े माथे में भी डेंट कर लेता हूँ टूबी से। सबसे पहले तो आपको पूरे फेस को टूबी से ही ब्लेंड करना है, उसके बाद उसमें डिटेलिंग देने के लिए थोड़ा डार्क शेडिंग देने के लिए आप डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक न्यू मेथड से हेयर बनाऊँगा। वहाँ पे आप वहाँ पे आपको लाइनें बनानी है गड़ा के। मैं जहाँ को हाईलाइट देना है वहाँ पे आपको गड़ाना है, गड़ा के लाइनें खींचनी है। इसे थोड़ा मैं स्पीड कर लेता हूँ। क्योंकि सेम प्रोसेस है लगभग पूरा प्रोसेस। पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हेयर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नीचे से हेयर ड्रॉ करना स्टार्ट करना है एंड हेयर का कर्व जिस पीक में जैसे है रियल पीक में उसी टाइप से आपको बनाना है। जब मैंने राइट साइड से हेयर बनाना स्टार्ट किया तो देखा थोड़ा हाईलाइट का पार्ट बचा है तो उसे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो लाइनें पड़ी हुई, लाइनें कैसे हैं। अब हेयर ड्रॉ करते हैं। रियल पिक में जैसे कर्व है वैसे बनाना है आपको। आप देख सक रहे हो कि जहाँ जहाँ मैंने गड़ाया था वैसे तो वहाँ वहाँ हाईलाइट दिख रही होगी आपको। एंड हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा जिस जगह डार्क है वहाँ डार्क कर रहा हूँ और जो जहाँ हाईलाइट ज़्यादा है वहाँ पे रबड़ से मिटा रहा हूँ, इरेजर से मिटा रहा हूँ।
हेयर भी कंप्लीट हो चुके हैं। फेस का अपर पार्ट रेडी हो चुका है एंड अब नीचे का पार्ट ड्रॉ करते हैं। एंड बियर्ड बनाने के लिए भी मैं पेंसिल इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैकेनिकल पेन का यूज़ करके उसे गड़ा लेते हैं एंड देन उसके बाद बियर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हाईलाइट दिख रही होगी बियर्ड में। तो इसी तरह पूरे बियर्ड में भी वैसे हाईलाइट देना है आपको। एंड पूरा बियर्ड उसी टेक्निक का यूज़ करके ड्रॉ कर लेना है आपको। आप देख सकते हो जैसे जैसे जिस पार्ट का हेयर ड्रॉ बियर्ड ड्रॉ हो रहा है उस पार्ट में हाईलाइट दिख रही होगी आपको। थोड़ा फेस का शेडिंग कर लेता हूँ मैं, बचा हुआ था वो। एंड हम राइट साइड का ड्रॉ कर लेते हैं। राइट साइड में थोड़े हेयर बचे हुए हैं एंड साथ ही में थोड़ा फेसिंग का शेडिंग बचा हुआ है। फेस में थोड़ी शेडिंग बची हुई है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड में थोड़ी डार्क है शेडिंग। तो लगभग राइट साइड की शेडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप रियल पिक देख सकते हो, फेस पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अब बियर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं। फेस शेडिंग का रूल ही है, आपको लेयर बाय लेयर चढ़ाना है तभी रिलैक्सिंग लगेगा। एंड उस टेक्निक से आप देख सकते हो बियर्ड में कितनी अच्छी हाईलाइट आई है। बियर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। एंड नीचे का हेयर का तो थोड़ा पार्ट बचा हुआ था। एंड फेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब क्लॉथ से बच गए हैं तो उसे जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, आपको पता ही होगा। एंड आपको पता चल गया होगा मैं कैसे बनाता हूँ अपने ड्राइंग को सभी। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अपने सभी ड्राइंग जितने भी मैं अपलोड करते रहता हूँ उसकी ऐसी वीडियो डालना है या नहीं, अपलोड करना है नहीं।
तो आपके कमेंट पढ़ के मैं दो वीडियो अपलोड करूँगा हर ड्राइंग की, एक टाइम लैप्स और एक इसी टाइप के। एंड इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि ऐसे ड्राइंग वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। एंड आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो क्योंकि ये मैं हर एक कमेंट का जवाब देता ही हूँ। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking.